राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। आज हमने सुबह आप लोगों से कहा था कि रात 9 बजे हम आपके साथ रूबरू होंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां चमकी बुखार का प्रकोप इस कदर फैल चुका है कि लोगों में एक दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोग गरीब गुरबे अपना घर परिवार छोड़कर के जा रहे हैं और स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरने की जगह विकराल रूप धारण करती जा रही है। चमकी बुखार जो है सो पहले भी हुआ था और कई बच्चों की मौत पहले भी हुई थी और उस समय में, उस वर्ष में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे और उन्होंने यह घोषणा किया था कि इस पर वो रिसर्च करवा कर जो है इसके निदान की दिशा में काम करेंगे। और उस समय में भी सरकार नीतीश जी की थी बिहार में और केंद्र में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया गया और डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेने के बाद किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि उस समय में क्या क्या घोषणाएं की गई, क्या क्या सुझाव दिए गए और यह जो चमकी बुखार है इसका वास्तविक कारण क्या है, इसका निदान क्या हो सकता है। और फिर जब अब 2019 में फिर से एक बार चमकी बुखार का प्रकोप इस प्रकार से बच्चों को निगलने लगा है, लगातार बच्चों की मौत होती जा रही है और लोग भयभीत तो हो उठे हैं और चीखने चिल्लाने लगे हैं, सड़कों पर उतरने लगे हैं, तो सरकार इस मामला को मतलब उसके निदान की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास करने की जगह आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं कहा जा सकता। चमकी बुखार की संख्या अब बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में करीब 700 बच्चे इस बुखार से पीड़ित हैं और आज लोकसभा में किशनगंज के सांसद ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि करीब 200 बच्चे की मौत हो चुकी है। तथ्य से काफी दूर यह सब कुछ नजर आ रहा है। वास्तविक रूप से कोई यह बताने के लिए, यह आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर इस बीमारी से अब तक कितने बच्चे की मौत हो चुकी है, कितने बच्चे जो है सो अस्पताल में जो है सो चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं और इसके रोकथाम की दिशा में बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जिसके मुखिया मंगल पांडे जी हैं, वो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाया है और कब तक इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। जबकि कल स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली पर कश्मीर की पार्टी पैंथर्स, नेशनल पैंथर्स पार्टी, भीम सिंह जी की पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, उसके दिल्ली प्रदेश के और राजस्थान के यहाँ के स्थानीय लोग जो बिहार से इतने दूर हैं वो यहाँ आकर
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार के इतने सारे सांसद जो जीत कर कर करके आए, उन लोगों ने इस चमकी बुखार पर अब तक आज की तारीख तक सिर्फ किशनगंज के सांसद के अलावा किसी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और उस पर जोरदार ढंग से आवाज उठा कर करके केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास नहीं किया। वो तो कल से लेकर और आज तक लगातार डीआईडी द्वारा उठाए गए सवाल और डीआईडी द्वारा किए गए चर्चे के बाद और उस खबर को दिखाने के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने उस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह जो है सो एक बहुत बड़ी जो है सो चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त किया है तो अब निश्चित रूप से उस दिशा में जो है सो एक सकारात्मक प्रयास किया जाएगा और मासूम बच्चों को बचाने का काम किया जाएगा और बच्चे की जान बचेगी, माँ का जो दिल धड़क रहा है वो जो है सो रुकेगा और माँ राहत की सांस लेगी, क्योंकि जिसके बच्चे चले जाते हैं, जिसका कोख उजर जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं जो कि जिसके घर का चिराग बुझ जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। आप मानवीय आधार पर इसको समझ सकते हैं। सवाल जीवन और मृत्यु का नहीं है। जो जन्म लेता है वह एक दिन निश्चित रूप से जाता है, लेकिन यह जो जन्म ले रहा है और लेने के साथ ही कोई 3 साल में, कोई 6 साल में, कोई 7 साल में, ये जो मासूम बच्चे जा रहे हैं जिन्हें यह अकाल मृत्यु प्राप्त हो रही है, वो भी जब भारत आजादी के 72वें वर्ष में हो, भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा हो, विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा हो, भारत जब सभी मोर्चे पर कामयाब हो रहा हो, अंतरिक्ष पर भी वो नियंत्रण पा कर कर करके उसमें भी नजर रखने में सफल हो रहा हो, और उस समय में बिहार के मुजफ्फरपुर जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है वहां मासूम बच्चे की मौत चिकित्सीय कमी के कारण होना अपने आप में यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और नैतिकता के आधार पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को तो घटना के 1 सप्ताह के अंदर इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए था, लेकिन उनका कुर्सी मोह, उनका यह जिस प्रकार से वो मीडिया से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, अपनी हकीकत को छुपाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद और चिंतनीय विषय है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, JP नड्डा जी को और अमित शाह जी को तुरंत संज्ञान लेकर करके मंगल पांडे का इस्तीफा करवाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। कई सवाल यहां उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि जब डॉक्टर हर्षवर्धन पिछले मंत्रिमंडल में इस बात का जिक्र कर दिया था और इसके जांच के लिए और इसके रिसर्च के लिए उन्होंने बातें कही थी, तो आखिर इतने दिनों तक वह फाइल कहां दबी रही, किसी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। देखिए, इस राजनीति, यहां राजनीति करने से इन समस्या का समाधान नहीं होगा, इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल को इस मुद्दे पर राजनीति करने की जगह मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सभी को सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव नजरिया के साथ जो है आगे आना चाहिए और सामूहिक रूप से इसके निदान की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बारे में लगातार यह कहा जाता रहा कि उन्होंने बिहार को एक नई ऊर्जा देने का काम किया है, एक नया दिशा देने का काम किया है, वे लगातार बिहार के विकास की दिशा में सक्रिय हैं। एक वरिष्ठ संपादक के रूप में हम भी इस पर मुहर लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार को एक नया दिशा देने का काम किया है। कांग्रेस का शासन भी हमने बिहार में देखा है, हमने राजद का शासन भी बिहार में देखा है, और हम नीतीश जी का शासन भी बिहार में देख रहे हैं। और नीतीश जी और भाजपा का संयुक्त रूप से पहले के शासन को भी हमने देखा है और वर्तमान समय में चल रहे शासन को भी हम देख रहे हैं। तीन दशक से ज्यादा से हमने बिहार को पत्रकारिता के माध्यम से देखा है, जमीनी गांव के चौपाल से खेत खलियान से लेकर के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, इन सारे क्षेत्रों को हमने बड़े ही नजदीक से, पगों से, कदम से नापा है, देखा है, अनुभव किया है और वहां की हकीकत को जानते हैं, जो कि बिहार जो सर्वशक्तिमान प्रदेश हुआ करता था, बिहार की बर्बादी कैसे हुई, उसका जो शिक्षा मगध वो कहाँ खो गया, शिक्षा का स्तर क्यों गिर गया, राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया, गुंडा राज कैसे हुआ, किस तरीके से कई सेनाएं बनी, किस तरीके से गरीबों को जिसके पास खेत जोतने के लिए न हो उसे जो है जमींदार घोषित कर करके जो है सो हत्या करवा दी गई, किस प्रकार से जो है अच्छे और ईमानदार अफसरों को जो है प्रताड़ित किया गया, ये सभी चीज़ों का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ और गवाह हूँ जो बिहार ने क्या क्या झेला है। नीतीश कुमार के शासन काल में, मुख्यमंत्री काल में बिहार में काफ़ी सारी चीज़ों पर अंकुश लगा है और बिहार के लोग काफ़ी शांति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से यह चिकन चमकी बुखार से लगातार बच्चों की हो रही मौत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य मंत्री पर वो दबाव नहीं बना पा रहे क्योंकि वह भाजपा से आते हैं और तालमेल जो होना चाहिए वो तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो नियंत्रण जितनी जल्दी नियंत्रण किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से और पीएमओ से सीधा इस लाइव के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो कि प्रधानमंत्री जी बिहार भी इसी देश का एक हिस्सा है और वहाँ के बच्चे भी आपके ही बच्चे हैं, आप उन बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए मानवीय आधार पर आप जो है यथाशीघ्र जो है सो डॉक्टरों की टीम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में बिहार भेजें और वहाँ कैंप लगा करके न सिर्फ जो बच्चे बच गए हैं उन्हें बचाएं, जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ करने की दिशा में कदम उठाएं और एक इसके लिए कमेटी बनाकर, टास्क फोर्स बनाकर इस चमकी बुखार को रोकने की दिशा में हमारी सरकार क्या कदम उठा सकती है और कैसे रोका जा सकता है, इसका निर्देश आप पारित करें, क्योंकि आज आपने भी संसद के अंदर इस पर चिंता व्यक्त किया और सारा राष्ट्र ने देखा है और सुना है। और नैतिकता के आधार पर मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपना चाल चरित्र और चेहरा
दिखाना चाहिए जो कि वह कुर्सी के लोभी नहीं है, उन्हें बिहार की जनता से वास्ता है, इन मासूमों की मौत से हुए दुखी हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, कुर्सी से अभी भी चिपके रहते हैं, तो इसका स्पष्ट और साफ अर्थ है कि उनके चाल चरित्र और चेहरे में काफी अंतर है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, आते हैं दिल्ली की ओर, जहां गर्मी में पानी के लिए हाहाकार चारों दिशा में मचा हुआ है। सवाल ये उठता है, जो प्रत्येक साल जब गर्मी का मौसम आता है तो दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है और घरे फोड़ने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की 15 वर्ष की सरकार रही हो, चाहे या आम आदमी पार्टी का। प्रत्येक वर्ष यह घड़ा फोड़ प्रदर्शन दिल्ली वाले को करना पड़ता है पानी के लिए, इसी प्रकार हाहाकार और फिर गर्मी गुजर जाती है और फिर स्थिति यथावत हो जाता है। बरसात आने के बाद पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाती है, सड़के पर घुटने और कमर तक पानी इकट्ठे हो जाते हैं और मिंटू ब्रिज के नीचे तो बस तक डूब जाती है। यह प्रत्येक साल होता है। प्रत्येक साल यह दावा किया जाता है कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और संबंधित फ्लड, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, वो जो है गाद निकालने का काम कर रही है, नाले की सफाई हो रही है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, ये सारे के सारे कागज पर होते हैं। जमीनी हकीकत यह होती जो कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सफाई अभियान चलाया जाता है, ना तो किसी नाले का विधिवत सफाई हो की जाती है, ना उससे जो है विधिवत गाद निकाला जाता है, और ना ही गाद निकाल करके उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाया जाता है। स्थिति वो होती है जो गाद निकलती है वह बरसात होने के साथ या फिर सूख कर करके जो है सो डस्ट बन कर करके फिर उस जिस नाले से निकलती है उसी नाले में समाहित हो जाती है। यह एक ऐसा सत्य है जिस पर हमारे IAS SG को ध्यान देना होगा, और इसके लिए अगर यह जांच करवाएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि अभी तक बरसात आने वाला, अभी तक दिल्ली में नाले की सफाई कितनी प्रतिशत हुई है। राजनीति सभी करते हैं, दिल्ली की चिंता किसी को नहीं है, और दिल्ली वाले दिनों दिन इन समस्याओं से इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं कि वो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हैं। वो कहने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति गांव से और सलमों से बदतर है। हम जितनी बात कर रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं, कोई भी एजेंसी इसकी निष्पक्ष जांच करा ले, लोकायुक्त जांच करा ले, LG जांच करा ले, विजिलेंस से इसकी जांच करा लिया जाए, CBI से जांच करा लिया जाए, करोड़ों करोड़ का घोटाला सिर्फ नाला सफाई के नाम पर दिल्ली में आज से नहीं परसों से होती चली आ रही है। और जिसके पास नाले के सफाई का टेंडर होता है, जो उसका बिल पास करता है, वो माला माल हो जाता है, लेकिन दिल्ली की स्थिति बरसात में यथावत वही रहती है और सड़कों पर पानी का जमाव निश्चित है। उसी प्रकार से बरसात से पहले पानी के लिए हाहाकार, बरसात होने पर पानी का जमाव, यह दिल्ली की नियत हो चुकी है। प्रदूषण दिल्ली की एक गंभीर समस्या, और जब उस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिया जाता है, कोई भी राजनेता उसकी ओर कदम बढ़ाता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसकी ओर कदम बढ़ाता है, तो उसे रोकने के लिए एक गुटबाजी जो है सो प्रारंभ हो जाती है, धरना प्रदर्शन और जुलूस के शक्ल में जो है सो बातें सड़कों पर आ जाती है। सवाल ये उठता है, जब इस तरीके की
बातें होंगी किसी अच्छे काम के लिए किसी पदाधिकारी को या किसी राजनेता को जिसने समाज के लिए प्रदेश के लिए अच्छा काम किया हो और उसके ऊपर इस तरीके से दबाव डाला जाएगा तो आखिर फिर प्रदूषण को रोकेगा कौन। हम जो कहना चाहते हैं आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो हम आगे इसका खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही बीना विरवानी द्वारा जो यह कदम उठाया गया प्रदूषण के खिलाफ करौल बाग में, उसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए जो ऐसो काम किया जा रहा है वह कितनी गंभीर समस्या थी, कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे थे, इन सब चीज़ों को दरकिनार कर करके अब एक नया सगुफा दिया जा रहा है कि इससे जो है व्यापार घट गया है। कभी जीएसटी के कारण व्यापार घट जाता है, कभी सीलिंग के कारण व्यापार घट जाता है, कभी जो है पॉल्यूशन के कारण व्यापार घट जाता है। आखिर प्रत्येक मुद्दे पर अगर व्यापार घट जाता है तो मैं व्यापारी भाइयों से यह जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जो अगर प्रदूषण से अगर बीमारी फैलेगी तो इसके शिकार कौन होते हैं। अगर जीएसटी से पैसा आता है तो किसका विकास होता है। अगर हाउस टैक्स से पैसे की प्राप्ति निगम को होती है तो उससे कहाँ का विकास होता है। आपको सब कुछ चाहिए और आप अगर अच्छे काम में सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी अधिकारी या कोई भी राजनेता ईमानदारी से कैसे किसी समस्या का समाधान करेगा। आरोप किसी के ऊपर लगा देना बहुत ही सहज है, आप एक सेकंड के ऊपर किसी के ऊपर एक उंगली दिखा देते हैं और कह देते हैं जो यह गलत है यह गलत है यह गलत है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि हम जब किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां हमारी ओर भी होती है और हम कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते। बहुत पहले यह लिखा गया है जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांकता, अपनी कमी को नहीं करता। प्रदूषण आखिर आया कहां से। प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ किया गया तो प्रदूषण उत्पन्न, पौधे कटते जाए, पेड़ कटते चले जा रहे हैं, कंक्रीट की सड़कें कंक्रीट की इमारतें खड़ी होती चली जा रही है, पानी धरती के अंदर, बरसात की पानी धरती के अंदर नहीं जा पा रहा, सीधे बह कर कर करके नाला के माध्यम से जो है सो बाहर निकलता चला जा रहा है। जब तक धरती के अंदर पानी नहीं जाएगा तो धरती के अंदर से जिस प्रकार से दोहन हो रहा है यह बात सभी को पता है, जो कि किस प्रकार से दिल्ली में जल का दोहन का बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है या आज चल रहा है, या ये कहना जो आम आदमी पार्टी की सरकार में चल रहा है या केजरीवाल की सरकार में चल रहा है ऐसी बात नहीं है, या जो है सो बरसों बरस से चलता चला आ रहा है। दिल्ली की आबादी ज्यों ज्यों बढ़ती चली जा रही है, घनी आबादी बढ़ने के कारण पानी जो एक आवश्यक आवश्यकता है, लोगों की जरूरत है, उसकी पूर्ति के लिए जो एक विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं किया गया। परिणाम जो अनियमित रूप से पानी का जल दोहन हुआ, भूमि दोहन हुआ और भूमि दोहन के बाद वो जो है सो धरती को खाली करता चला जा रहा है। अवैध बोरिंगें होती हैं और सबको पता है जो कैसे होती हैं, यह कोई नई बात नहीं है। सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी राजनेता ये सारे मीडिया कर्मी सभी जानते हैं जो किस प्रकार से अवैध बोरिंग दिल्ली में आज भी हो रही है। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कहीं हो रही होगी बोरिंग और वो बड़े ही तरीके से होंगे, जब तक मैं
यहाँ बात खत्म करूंगा तब तक बोरिंग हो कर कर करके वो सारे जो है सो वो ढक ढुक कर करके बराबर हो गए होंगे। मैंने खुद ही कई बोरिंग की कंप्लेन की, हमारे कंप्लेन करने के बावजूद भी वहां बोरिंग हुआ, मैं जानता हूं। चलिए अभी अब एक नया मुद्दा जो है सो आ गया है, जो फिर से सिटी सदर पहाड़गंज जोन कुचा महाजन में कन्वर्जन चार्ज, जो बुलियन व्यापारी हैं उनको जो है सो कन्वर्जन चार्ज के कारण जो है सो सीलिंग का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने अपने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि आप यथाशीघ्र आप 2 दिनों के अंदर कन्वर्जन चार्ज जमा कर दें, नहीं तो एसोसिएशन इसके लिए जो है सो जिम्मेवार नहीं होगा। आप लोग कन्वर्जन चार्ज जमा कर दें निगम को, निगम ने इस संदर्भ में नोटिस भी जारी कर दिया है और वहाँ सीलिंग की समस्या उत्पन्न होने वाली है, जो कन्वर्जन चार्ज नहीं देंगे उनको सीलिंग का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर ले जा रहे हैं जिसके बारे में सभी को, खास कर करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सभी राजनीतिक दल को गंभीरता से सोचना चाहिए। यह एक बहुत बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है और वो है मर्यादा विहीन आचरण। जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में पहले एक धारणा बन गई थी पूरे देश में, जो राजनेता मतलब पॉलिटिशियन मतलब नेता सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग कभी जो है सो देश के बारे में, समाज के बारे में, कानून के बारे में, व्यवस्था के बारे में, विकास के बारे में सोचने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और जो कुछ भी होता है सारा का सारा उनके इशारे पे होता है। 2014 में सत्ता परिवर्तन जो हुआ था वो इसी के आधार पे हुआ और नरेंद्र मोदी जी पर देश की आवाम ने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2019 में भी देश की आवाम ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सहयोगी हैं, बहुत सारे सहयोगी हैं, लेकिन जिस हिसाब से मर्यादा को तार तार किया जा रहा है वो बड़ी, किसी बुद्धिजीवी के लिए वो बड़ा ही शर्मनाक स्थिति होता है जब वो ऐसे शब्दों को किसी खास महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए अपने राजनेता के बारे में, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अपने अधिकारी के बारे में सुनता है तो उसे बहुत ही स्वतः ही आत्मग्लानी होती है जो कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम आपका ध्यान लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का, जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और हम आज एक वरिष्ठ संपादक के रूप में मैं सोनिया गांधी जी से आग्रह करता हूं कि वो इसके लिए लोकसभा के अंदर
क्षमा याचना करें, निर्देश जारी करें कि भविष्य में इस तरीके की मर्यादा विहीन बातें वो प्रधानमंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति विशेष के लिए ना करें। देखिए, यह कहा जाता है जो कि विजेता वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकारने की क्षमता रखता हो, उसके अंदर यह जज्बा हो कि अगर उससे कोई भूल हो गई है तो उसे वह सुधारे ना कि दोहराए। हम यह आज इस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं संपूर्ण देश का, खास करके अपने बुद्धिजीवी भाइयों का, जो जिन्होंने बड़े बड़े जिनको जो है सो अवार्ड मिल चुके हैं, जिन्हें बड़े बड़े जो है सो प्रमाण पत्र बुद्धिजीवी होने का मिल चुका है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ कर करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस पर कलम चलाएं, आप लोग कैमरे के सामने में इस बात को बोलें ताकि इस देश की मर्यादा पर किसी भी प्रकार का जो है सो प्रहार ना हो सके, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करता हो, चाहे वो कितना शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को भारत के संविधान से खेलने का अधिकार नहीं है। और जो भारत के संविधान के साथ खेलने का जुर्रत करेगा उसे भारतीय संविधान के तहत जो कानून है उसके तहत दंडित, सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। और यह नैतिक जिम्मेवारी प्रत्येक बुद्धिजीवी का बनता है। सिर्फ आप इसलिए अपना पुरस्कार न लौटाएं कि ये जो है ये मुद्दा है, किसी व्यक्ति को टारगेट कर करके, किसी व्यक्ति को लक्ष्य बना कर करके, किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए आप अपने सर्टिफिकेट और पुरस्कार को जो लौटाने की बात करते हैं ना, आप उस बात को भी गंभीरता से समझिए जो कि क्या पार्लियामेंट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के लिए जब कोई व्यक्ति जो सांसद और वो भी किसी वरिष्ठ पार्टी का सांसद इस तरीके की हल्की बातें करेगा वो न्याय उचित है? क्या आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या आपकी कलम इस पर नहीं चलनी चाहिए? आपको जो है टीवी स्क्रीन पर आपकी आवाज़ नहीं गूंजनी चाहिए? लेकिन आज तक आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाया, आज यह देश आपसे जानना चाह रहा है। हम जानते हैं आप लोग हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोगों के चरणों के धूल भी हम नहीं हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहना हमारी आदत है। हमने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की जो कि सत्य बोलने का परिणाम क्या होगा। हमने तो हमेशा से कहा, विभिन्न मंचों से कहा, जब कभी पत्रकारों के ऊपर कोई लांछन लगाता है, पत्रकारों के बारे में जब लोग कहना शुरू करता है, जब विभिन्न जगह जब वो बातें सुननी पड़ती है, तो मैं उनसे कहता हूँ जो कि ठीक है, आज पत्रकार के सामने में भी समस्या है, लेकिन एक बात आप सुनो, जो धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। और जब हम ये बात कहते हैं तो जो जिस समारोह में, जिस सभा में जो लोग पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए तीखी तीखी बातें करते, वही जोर से ताली बजाते हैं और कहते हैं कि जो यह सही बात है, अगर मीडिया कर्मी सो जाएगा तो देश का गद्दार देश को बेच देगा। तो हम अपने बुद्धिजीवी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं आज, जो आप
सत को सत कहना शुरू कीजिए। अगर कमियां हैं तो निश्चित रूप से उजागर कीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रहित में रात दिन काम कर रहा है तो आप उसकी अच्छाइयों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए कि आपने प्रारंभ में उसका विरोध किया है, इसीलिए आपको विरोध ही करना है। आप लौटिए, आइए, मुख धारा से जुड़िए। राष्ट्र निर्माण में आपने अब तक जो भागीदारी निभाई है, आप आगे आकर करके अपनी भागीदारी को और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। राष्ट्र प्रथम और वंदे मातरम के सिद्धांत पर चलिए और भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष कीजिए। कलम वीरों, या देश आपको पुकार रहा है, आइए और भारत के विकास में अपना योगदान दीजिए। देश की आज़ादी के लिए जिस प्रकार हमारे कमल, जितने भी कलम नवीस थे, फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिए, उसी प्रकार से आज़ाद भारत में भारत को एक विकासशील देश बनाने की दिशा में आइए हम सब मिलकर करके अपना योगदान दें और सत्य को सत्य कहने की हिम्मत अपने अंदर लाएं और उसे फिर से एक बार स्थापित करें। हम सब एक हैं या नारा हो, और हम सब जितने भी कलम नवीस हैं, कैमरामैन हैं, मीडियामैन हैं, सब एक बिरादरी के हैं। आइए हम सब मिलकर करके राष्ट्र निर्माण में उस व्यक्ति का सहयोग करें जो राष्ट्र के लिए सोच रहा है, ना कि अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, जाति धर्म और मजहब के लिए सोच रहा है। आइए हम सब उससे अलग हटकर करके सिर्फ एक सिद्धांत पर चले, राष्ट्र देवो भवा। और जब हम बुद्धिजीवी, हम कलम नवीस, हम मीडिया कर्मी इस सिद्धांत के साथ आगे चलेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।